तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N160 के बारे में, और कवर करेंगे इसकी हम सारी डिटेल्स, जानेंगे कि बजाज क्या कुछ ऑफर करता है अपनी इस नई बाइक के साथ में। और ये इसका एकदम लेटेस्ट अपडेटेड वाला वेरिएंट आप देख रहे हो, जिसमें इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल अपडेट हो चुका है और साथ में आपको इसमें USD फोक्स मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो यार फ्रंट में आपको ऐसा कुछ इसका लुक मिल जाता है जो कि MT15 से इंस्पायर्ड है और देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर बाइक लगती है ये अपने सेगमेंट में। और फ्रंट में आपको दो LED वाले DRS मिल जाते हैं जो इसकी आइस का वर्क करते हैं, देखने में काफ़ी सही लगती है बाइक। और सामने आपको मिल जाता है LED वाला प्रोजेक्टर, जिसके आपको थ्रो काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाता है सेगमेंट में अदर बाइक से, और काफ़ी बढ़िया आपको नाइट में विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और साथ में फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 31mm के USD फोक्स। सो गाइज USD फोक्स आजकल बाइक में काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे हैं, और बाइक में कौंदनी करने पे या ख़राब सड़क पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और साथ में आपको साइड में मिल जाता है इंडिकेटर का रिफ्लेक्टर, जो कि आपको सेफ्टी इनहांस करता है आपकी। और बाकी आपको इसका मडगार्ड कुछ वेव डिज़ाइन का मिलता है, जिस पर आपको अगेन इसके ग्राफिक मिल जाते हैं रेड कलर के, और साथ में पीछे आपको मैट प्लास्टिक मिलती है। और बात करें हम गाड़ी के डिस्क ब्रेक की, तो फ्रंट में आपको ABS मिल जाता है। और गाड़ी में आपको टोटल चार ऑप्शन मिलते हैं, एक आपका ब्लूटूथ वाली बाइक आती है, एक आपकी आती है डुअल चैनल ABS, एक आती है आपकी सिंगल चैनल ABS। तो अभी आपके सामने खड़ी है सिंगल चैनल ABS वाली बाइक, जिसमें आप देख पा रहे हो ये इसका डिस्क लगा है, जो कि अच्छे खासे साइज़ का है। इसका मैं एग्जैक्ट साइज़ मेंशन कर दूंगा। और इसमें आपको ग्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, जिनकी आपने काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी होगी, ऑलरेडी बजाज अपनी कई बाइक्स में इसको यूज़ कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे गाड़ी के थोड़ा साइड लुक के बारे में, साइड का लुक कैसा है इसका। तो सबसे पहले आपको मिलता है इस पर टैंक पैनल, जिनको हम टैंक स्लॉट्स बोलते हैं, और यहाँ आपको मिलती है N160 की स्टिकरिंग, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगती है और यूनिक लगती है पहले से। और बाकी इस पर आपको मैट और ग्लॉसी की फिनिश मिलती है, साथ में ही नीचे रेड कलर के डेकस मिल जाते हैं। और यहीं भी आपको लिखा हुआ मिलता है क्रोम, डार्क क्रोम से पल्सर की बैजिंग, जो कि आपको 3D में मिल जाती है। और बाकी ये रहा आपका राइडर वाला पैनल, जो अगेन पूरा मैट में दिया हुआ है। और टोटल ऐसा कुछ लुक इसका मिलता है आपको देखने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है ये बाइक पूरी ऑल टोटल। और पिलियन सीट के नीचे आपको मिलता है पैनल्स, जिसमें आपको N160 की स्टिकरिंग मिल जाती है अगेन। और बात करें इसके हम राइट हैंड साइड लुक की, तो वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है दूसरी साइड से। और इस बाइक के अंदर आपको मिलता है अंडर बेली एग्जॉस्ट, एक बार आपको इसकी हम आवाज़ सुना देते हैं। आवाज़ आपको हैवी साउंड मिलती है, थोड़ी सी बेसी साउंड आपको सुनने में मिलती है, जो कि आपको शहर में एक अच्छा राइडिंग का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। और अब हम बात करेंगे गाड़ी के रियर टेल लाइट के बारे में, जो कि पूरी आपको क्रिस्टल LED मिलती है, और पल्सर की जो इनकी अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज है स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू रखी है इन्होंने इसमें भी, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और बात करें हम रियर लुक की, तो यहाँ पर भी आपको पूरा ऑल LED सेटअप मिल जाता है टेल लाइट से लेकर के इंडिकेटर तक। और बाकी ये रहा आपका नंबर प्लेट का ऑप्शन, और पीछे आपको मिल जाएगा टायर हगर। और बात करें अगर हम पीछे सेफ्टी के लिए, तो आपको यहाँ पे लेडीज़ के लिए साड़ी गार्ड मिल जाता है, और साथ में इसमें आपको पीछे मिलता है 130 सेक्शन का टायर, जो कि अगेन आपकी रोड पे ग्रिपिंग को काफ़ी अच्छा स्टेबल बना के रखेगा। और पीछे आपको मिलता है मोनोशॉक, और पीछे भी आपको मिल जाता है एक सिंगल डिस्क। तो गाड़ी आपको डुअल डिस्क ऑप्शन के साथ नहीं मिलने वाली है, इसमें कोई सिंगल डिस्क का ऑप्शन नहीं आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। और बाकी अब हम बात करेंगे बाइक के इंजन के बारे में। सो गाइस इसमें आपको मिलता है 164.82 CC का इंजन, जो कि प्रोवाइड करता है आपको 15.68 BHP की पावर। और बात करें इसके मैक्सिमम टॉर्क की, तो वो मिलता है आपको उसके अंदर 14.65 Nm का। और गाड़ी के अंदर टोटल आपको 5 गियरबॉक्स स्पीड इंजन मिल जाता है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से सही है। और बात करें हम गाड़ी के टोटल कर्व वेट की, तो इसका वेट है 152 kg का,
जो कि इसकी सड़क पे स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मेंटेन रखता है हमेशा हमेशा के लिए। और अब हम बात करेंगे फटाफट से गाड़ी के कंफर्ट लेवल के बारे में और कैसी आपको उसके अंदर सीट में कुशनिंग मिलती है वो भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप इसकी सीट एक बार देख लो, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है और यहाँ पर आपको अगेन पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाती है पिलियन सीट पर। और सीट अच्छी खासी ब्रॉड है, पिलियन के लिए सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाली है ये सीट। मतलब अदर बाइक आप देखे होंगे या इनके पुरानी पल्सर में पिलियन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, जिसको बजाज ने देखते हुए अब की वाली सीट्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कर दी हैं और उनकी कुशनिंग भी ठीक ठाक कर दी है। अगर आप फिर भी चाहो एक्स्ट्रा कुशनिंग या पैडिंग बाहर से ऐड करवा सकते हो। और अब हम बात करेंगे गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको मिलता है 14 लीटर का फ्यूल टैंक और साथ में ही इसमें आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट भी। तो अगर आप इसे लॉन्ग राइड वगैरह करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। गाड़ी का जो राइडिंग पोस्चर है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाला है, बिल्कुल भी आपको कोई थाई पेन या शोल्डर वगैरह पेन नहीं होने वाला है अपाचे की तरह। तो चलिए एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल चेक करते हैं। ये आपको पूरा डिजिटल कंसोल मिल जाता है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिटेल्स और बहुत सारे इसके फीचर्स के बारे में ये आपको इन्फो प्रोवाइड करता है। सबसे पहले बात करें इसमें हम, यहाँ आपको मिलता है इसका आरपीएम मीटर और ये रहा आपका गियर लेवल इंडिकेटर और यहाँ आपको फ्यूल शो करता है और ये आपकी रेंज शो करता है। और अगर आप चाहो तो इसमें आपको मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको तीन राइडिंग मोड मिल जाते हैं, रोड, रेन और स्पोर्ट मोड और ऑफ रोड मोड सॉरी, जो कि आपके अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। और यहाँ आपको एबीएस की लाइट शो करता है, यहाँ पे आपको इंजन माल फंक्शन लाइट शो करता है। और बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देगा फॉर योर सेफ्टी पर्पसेस। और बात करें हम गाड़ी के गियर स्विच क्वालिटी की, तो यार वो बजाज की प्लास्टिक हमेशा से ही बढ़िया रही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ आपको हाई लो बीम का और पास साइड का स्विच मिल जाता है और ये रहा आपका इंडिकेटर का स्विच और ये रहा आपका हॉर्न का स्विच। एक बार आपको हम बाइक का हॉर्न सुना देंगे, तो इसमें आपको सिंगल टोन हॉर्न मिलता है। बाकी ये रहा आपका किल स्विच और ये आपका हेडलाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है, बहुत लोग की बैटरी ख़राब हो जाती है। और ये रहा आपका सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन। और बात करें अगर हम गाड़ी की प्राइसिंग की, तो यार ये आपकी वैरी करती है 1,49,000 से लेकर के 1,70,000 तक। इसके जितने भी आप हायर मॉडल्स की तरफ जाते रहेंगे उतना आपका इसका पैसा बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग मॉडल मिलते हैं इसलिए। और आई होप कि मैंने लगभग इसकी डिटेल्स कवर कर ली हैं, अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको आपको बता दूंगा। और बाकी अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैं आपको इसकी और सारी डिटेल्स बता सकता हूँ।